जोधपुर शहर में तंग गलियों में रिहायशी इलाके हाथीराम का ओडा में बने प्लास्टिक गोदाम में सोमवार अल सुबह आग लग गई। आग 3 मंजिला गोदाम में लगी। दमकल की 20 गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास करती रही। दमकल के साथ आर्मी भी आग बुझाने में जुटी रही। 3 मंजिला गोदाम में लगी आग का इतना विकराल रूप था कि आग के लपटे देखकर लोगों में दहशत का माहौल बन गया। एहतियात के तौर पर गोदाम के आसपास के घरों को खाली करवा लिया गया। प्लास्टिक के दुर्गंध और काले धुएं से आसपास के लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। आग लगने की सूचना सुबह करीब 5:30 बजे दमकल विभाग को मिली। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। आग की लपटें दूर दूर से दिखाई दे रही थी। प्लास्टिक गोदाम शहर के अंदरूनी गलियों में है, इस कारण दमकल की गाड़ियों को वहां तक पहुंचने और आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। मकान बहुत बड़ा होने के कारण चारों तरफ गलियों में दमकल लगाई गई। कई घंटों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की वजह से मकान का एक हिस्सा गिर भी गया और पूरे मकान के गिरने का खतरा भी मंडराने लगा। घटना स्थल पर पुलिस, अग्निशमन और प्रशासन के लोग मौजूद रहे। आग की भयानकता को देखते हुए आर्मी दमकलों को भी बुलाया गया। जहां पर इस गोदाम में आग लगी उसके आसपास और भी गोदाम स्थित होने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई। घटना की बढ़ती आशंका के चलते क्षेत्र में बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया।